Dios. अमेरिका ने ओसामा को अंदर घुस के मारा था तो ये काम हम क्यों नहीं कर सकते। नमस्ते सुहेला जी, इंद्रधनुष थिएटर ग्रुप की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं गौरव, कैसी हैं आप? थैंक यू गौरव जी, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूं। और हमें खुशी है कि हमारी जो ये इंटरव्यू सीरीज है इंद्रधनुष के रंग, आज आप इसके बीच आ सकी। और उद्देश्य यही है कि हम जो अलग अलग आर्टिस्ट हैं थिएटर और सिनेमा के, उनसे एक साक्षात्कार करें, इंटरव्यू करें, उनके व्यूज एक्सपीरियंसेस जानें। आप लोग का काम काफी लोग फॉलो करते हैं, मैं भी और बहुत सारे हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं, एंड आई एम श्योर इस इंटरव्यू से वी विल गेट अ लॉट ऑफ लर्निंग्स। आई होप सो, थैंक यू। सुहेला जी, आपकी जर्नी में पढ़ रहा था, एंड जर्नलिस्ट, एंकर, थिएटर एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, होस्ट, आपने बहुत कुछ किया है इंडियन टेलीविजन के लिए भी, अब्रॉड भी। कुछ ऐसा है स्टिल विच इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग विश विच यू स्टिल थिंक इज अनफुलफिल्ड एंड विल बी फुलफिलिंग इफ यू परस्यू इट? आई एम क्यूरियस। आई कांट परस्यू इट नाउ, आई एम मच टू ओल्ड फॉर इट। I would love to be an astronaut. In my childhood, I had this dream of visiting different worlds. So wo wish abhi tak hai. I follow cosmology, I follow shows on it. I'm very fond of this subject and I'm very curious about life in outer space. Wow. Well, I would say then as an actor, you always have an advantage to work on a story which is about astronauts. Imagination. Imagination. We would like to see an Indian version of Gravity. Why not? Absolutely. होना चाहिए। हमारे studios तो equipped हैं, किसी को initiative लेना चाहिए। Absolutely, absolutely. I really wish कि वो आप कर पाए role अदा। And don't worry, you're not too old. Your energy and exuberance shows. Well, old in the sense कि I should have started studying all that when I was a kid, straight after in school itself and gone to college, maybe gone to NASA or something like that. इसरो भी है आज, लेकिन जब हम छोटे थे, यंग थे, तब इसरो वाज नॉट सो डेवलप्ड, इट वाज ओनली नासा। आज ऑफ कोर्स द स्टोरी इज डिफरेंट टुडे। ट्रू ट्रू, एब्सोल्युटली आई एग्री विद यू। एंड स्पेशली वो जो लास्ट मूवी बनी थी मंगलयान मिशन पे, जिसमें विद्या बालन और अक्षय कुमार जी थे, तो दैट वाज यू नो अबाउट इसरो साइंटिस्ट्स एंड उनकी लाइफ। बिल्कुल, आई थिंक आई वाज वेरी हैप्पी टू सी इट। यस, एब्सोल्युटली। सो नाउ वी आर एक्चुअली गियरिंग अप फॉर सच सब्जेक्ट्स। आपकी थिएटर जर्नी काफी लंबी रही है एंड काफी वैरीड रही है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सिंस यू हैव डन फॉर यू नो वेस्टर्न शोज आल्सो, क्या है जो हम इंडियन थिएटर आर्टिस्ट सीख सकते हैं वेस्टर्न काउंटर पार्ट से? डिसिप्लिन, जो इंडियन थिएटर आर्टिस्ट में नहीं है इतना। बहुत कम प्रोफेशनल इंडियन थिएटर आर्टिस्ट है, और लेकिन जो प्रोफेशनल भी हैं वो अपनी क्राफ्ट में प्रोफेशनल हैं, लेकिन जहाँ तक डिसिप्लिन का इस कंसर्न, इतना डिसिप्लिन है नहीं। मैंने खुद देखा है, आई एम चीफ डायरेक्टर, क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ एन एमेच्योर थिएटर कंपनी कात्यायनी। तो मैंने हायर किया था प्रोफेशनल थिएटर आर्टिस्ट और मोस्टली टेक्नीशियंस को, टाइम से नहीं आते थे। उनका ये एटीट्यूड होता था, भाई हम तो यू नो NSD के पढ़े हुए हैं, श्रीराम थिएटर के यू नो स्कूल में, बट आई मीन आई एम नॉट टेकिंग दीज नेम्स इन अ डेरोगेटरी फैशन, पर उनको ये एरोगेंस था कि उन्होंने ट्रेनिंग ली है, तो यहाँ पर आके इनडिसिप्लिन दिखाते थे। लाइक आई हैड अ टेक्नीशियन हु हैड कम एंड वो बाहर जाके अपने सिगरेटें या अपना वो ग्रास पीता था व्हाइल द रिहर्सल वाज गोइंग ऑन। फिक्र मत कीजिए मैडम, आई विल बी देयर इन टाइम। और उसने शो के दिन भी यही किया, और जब मैं लाइट रूम में गई तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, मैम आई हैव नॉट बीन टू एनफ रिहर्सल, यू स्टे एंड गाइड मी। ही वांटेड मी टू पॉइंट आउट वेयर ऑल द एक्टर्स आर कमिंग फ्रॉम। इतनी एरोगेंस देखी है मैंने, एंड दैट्स एन आइसोलेटेड एग्जांपल ऑफ एक्सट्रीम एरोगेंस, पर जनरली मैंने देखी है एरोगेंस विच ब्रीड्स इनडिसिप्लिन। आप जहां भी जाएं, एमेच्योर कंपनी के साथ काम करें, नॉन प्रोफेशनल्स के साथ काम करें, आपने जो सीखा है वो दिखना चाहिए ताकि हम उसे सल्यूट करें, आपको रिस्पेक्ट करें। उससे मेरी रिस्पेक्ट थोड़ी कम हो गई, तो उसके बाद मैंने एमेच्योर्स को भी रखा। तो इनडिसिप्लिन इज कूट कूट के हम में इंडियंस में भरा हुआ है, अनफॉर्चुनेटली। मैम, सैड स्टेट ऑफ द अफेयर्स, मैं एग्री करता हूँ इससे, और आई थिंक ये हम लोग ने भी एक्सपीरियंस किया है।
कि एक बार जब कुछ लोग को प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो जाता है या फिर वो लोग कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स में काम कर लेते हैं, वी सी दैट इनडिसिप्लिन एंड दैट लैक्सनेस इन देम. एंड नॉट जस्ट प्रोफेशनल, जो एमेच्योर्स हैं उनमें तो कुछ ज्यादा ही है. रिहर्सल पर नहीं आएंगे, मैसेज भी नहीं करेंगे या कर मैं बीमार हूँ. यू नो दैट दे आर नॉट सिक. रीडिंग्स पर नहीं आएंगे, उनका एटीट्यूड है हमें कास्ट तो कर लिया है, कुछ नहीं कर पाएंगे. यू नो, सो दे हैव अ लॉट ऑफ इनडिसिप्लिन टू. Absolutely, ma'am. What I've learned, whatever little I've learned in my journey so far, attitude is most important. Skills you can teach, trainings you can give, but attitude is the primary and the most important thing. जिसके वजह से सब कुछ होता है. It makes you or breaks you. I've seen these people completely breaking because of lack of discipline and because of attitude. Absolutely, absolutely. मैं agree करता हूँ. And ma'am, इसी पे मैं notice करता हूँ एक चीज. बहुत लोग थिएटर को यूज करते हैं एज अ मीडियम और इंटरमीडियरी टू गो टू सिनेमा, बिकॉज उनको ये लगता है कि जैसे पीयूष जी, उनका इंटरव्यू था लास्ट, वो ही कह रहे थे बॉम्बे में खासतौर से जो लोग थिएटर करते हैं वो लोग, बहुत लोग इसलिए भी करते हैं कि समवन नोटिसेस देम, समवन इज एबल टू कास्ट देम, पर वो सीरियस नहीं है थिएटर के लिए. तो आई एम श्योर, तो आई एम श्योर यू नो, कहीं ना कहीं पीपल हैव दैट thing on the back of their mind ki, you know, this is a stepping stone. Do you think this mindset is appropriate? Dekhiye, ek to theater pe nahi karta to aap unko kaise blame karenge. Agar families chalani hai, income chahiye, to theater to pay karta nahi hai. Sabse pehle agar amateur jata hai director ke paas to kehta bhai we are not paying, aap free mein kaam karo. Hum bhi exploit karte hain, koi isme do raha nahi hai. और हम दूसरी बात यह है कि हमें कोई फाइनेंस नहीं करेगा तो हम उनको कैसे पैसे देंगे. फंडिंग इज अ ह्यूज प्रॉब्लम इन थिएटर. जो प्रोफेशनल थिएटर भी है जैसे गुजराती है मराठी है वो पे करते हैं, तो वहाँ ये कम होता है. लॉट ऑफ एक्टर्स डू इट फॉर पैशन और वो फिल्म स्टार्स भी बन जाते हैं, टीवी स्टार्स भी बन जाते हैं, वो अपना थिएटर नहीं छोड़ते. ये खासकर मैंने हिंदी थिएटर और इंग्लिश थिएटर में देखा है जहाँ मे बी देर इज नो मनी. तो दिस इज द रीजन आई फील. But as an ideology, you think that's okay because somewhere people have to meet their ends meet. So that's okay if they want to use it as a channel. It's justified. Like I said, कि आप उनको अगर पैसे देंगे, you will retain them. सबको ना मतलब everybody needs a meal on the table. कईयों की तो families भी हैं. हैं ऐसे भी मैंने देखे हैं Delhi theatre में artists who are struggling but they will not go to cinema because A they have families and B because of their passion for theatre. देखिए पर वो कम है. Absolutely, sure. Ma'am, before I come to the audience questions, I would just like to ask you about your experience with Arya. It has been trending and काफी लोग तारीफ कर रहे हैं. कैसा एक्सपीरियंस था, कुछ उसके बारे में शेयर कीजिए. देखिए हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि it would be accepted well because it was very well made. पर जिस तरह से it is blown, you know, it's blown over the roof, it's gone through the roof. इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था. हम बहुत खुश हैं कि राम माधवानी जी की मेहनत एंड द फैक्ट दैट ही इज सच अ वार्म ह्यूमन बीइंग. मैं आपको कहूं कि मैंने इतने यूनिट्स में काम किया है, आई बीन ट्रीटेड वेरी वेल बीइंग अ सीनियर आर्टिस्ट विद ड्यू रिस्पेक्ट. पर जितना रिस्पेक्ट और प्यार उन्होंने सबको दिया, जितनी कंसिडरेशन उन्होंने आर्टिस्ट को दी है, रहना, उनका खाना, अगर वो बीमार होते हैं तो लुकिंग आफ्टर दम, आस्किंग आफ्टर दम, और सेट्स पर जो प्यार दिखाया है ना, सेट्स तो मैंने जरूर देखा है कि सब डायरेक्टर्स कैन बी वेरी रफ, दे कैन आल्सो बी टू द एंड दे आर रूड. हो सकता है कि उनका पैसा जा रहा है एंड दे डोंट वांट टू वेस्ट द मनी, बट जिस तरह उन्होंने प्यार और कंसिडरेशन के साथ हर आर्टिस्ट को कैरेक्टर समझाया एंड द वे दे ब्रॉट द यूनिट टुगेदर एट द एंड ऑफ द शूट, वी यूज्ड टू सेलिब्रेट टुगेदर. जो कमरे में होता था तो किसी को भेज दिया करते थे, चलिए मैम चलिए सब बाहर निकलिए ना, वी आर सेलिब्रेटिंग. इसकी वजह से भी मैंने राम को ये मैसेज लिखा था, दिस इज अ सक्सेस नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द स्क्रिप्ट, योर हार्ड वर्क, द हार्ड वर्क ऑफ द राइटर्स, बट ऑल्सो द फैक्ट दैट यू हैव बीन सो कंसिडरेट एंड लविंग, एंड आपने उन उन लोगों को ब्रेक दी है जिनको शायद दूसरे ना दे पाते बिकॉज दे आर नॉट अ नेम एंड पीपल वुडंट टेक द रिस्क. एक ये भी है ना हमारी इंडस्ट्री में, यार नाम नहीं है, लोग पसंद नहीं कर, आपने परवाह नहीं की और आज दे आर बिग बिकॉज ऑफ यू. तो मैंने कहा दिस इज अ ब्लेसिंग from everybody who worked with you and the blessing from the universe because of your attitude. Attitude ki baat kar rahe the,
because of the attitude also, not just the talent but the attitude. So he's been, Case has been one of those rare units that brought everything to him. I'm sure, ma'am, that's the biggest, one of the biggest takeaway for all of us, especially people who are enthusiastic about theatre and cinema, that story may be perfect, direction may be absolutely, you know, astute, actors may be finest of actors, but jab tak wo, you know, that warmth, that attitude does not bring them together, the final output will always not be what, you know, as you said, it's gone over the roof. It cannot be that exemplary. So somewhere that attitudes have made difference, and all of you are love each other. Nahi to log sochte hain ki let this project get over and I want to be done with, you know, done with it. But again, it shows. Nee, we're like an extended family. Aur wahan se bhi hume messages aate rehte hain. Like, they also don't allow us to get away. You know, we're part of the family. To ye extended family ki jo bhavna hai, hum sab mein, ye bhi ek wajah hai, karan hai ki itna successful hua hai. सक्सेसफुल हुआ जिस नोट पेंड हुआ था मुझे ऐसा लग रहा है कि सीजन टू भी आएगा आई होप आप लोग को बेस्ट विशेस जल्दी सीजन टू भी हम लोग देखें उसका ओके मैम अब मैं कुछ ऑडियंस क्वेश्चन लेना चाहूंगा तो ऑडियंस क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है अस्मिता का और अस्मिता ये पूछती है Hi, Sohila ma'am. This is Asmita here from Bangalore. Well, I just have one question for you. As a person and as an actor, how would you define yourself, how you were back in 2010 as compared to how you are today? That's it. Thank you so much. Mujhe zyada confidence aaya in saalon mein. I have blossomed as an actor. Mujhe jo self-consciousness thi, khaskar emotional scenes, kaise karu? एकदम से रोना एकदम से हंसना पागलपन वो किस तरह मिनटों में लाया जा सकता है सेकंड्स में कैमरा के सामने वो आया है मुझे और शायद जैसे मैं आपसे पहले डिस्कस कर रही थी मेरी एक्सेप्टेंस सोशल मीडिया की मैं बहुत शाय थी कुछ अपना प्रमोट नहीं करना चाहती थी ना अपने फैमिली के बारे में जिसके कितने डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स हैं सिनेमा वर्ल्ड के नहीं बताना चाहती थी कि मैं उनसे रिलेटेड हूँ नहीं बताना चाहती थी कि कहाँ जहाँ मुझे सक्सेस मिलता था मैं वहाँ अपोलोजेटिक हो जाती थी अभी भी थोड़ी टेंडेंसी है मैं रोक लेती हूँ कोई कहता क्या किया आपने मैम स्टेज पर या उस सीरियल में क्या बनता नहीं 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 वो डायरेक्टर की वजह से अरे वो तुक्के की बात है आई हैव लर्न टू एक्सेप्ट इट एंड गिव माई सेल्फ अ क्रेडिट आल्सो ये सब चेंजेस मुझ में आए आई थिंक दैट इज कॉल्ड सेल्फ मोटिवेशन बिकॉज इफ यू डोंट डू आई नो समवेयर आई डोंट सम जापानीज प्रोवर्ब आई वाज रीडिंग कि Self appreciation is an important attribute. वो मुझ में नहीं था 2010 में जी क्योंकि वो हमें mentally affect करता अगर हम नहीं करेंगे खुद को appreciate and then you know somewhere it's not good to be too much critical of ourselves. You're right. Yes, absolutely. Arrogance. We discussed this earlier. Arrogance is bad as an attitude. Self criticism is also not to help you creatively. If it goes to the other extreme, both are bad. There should be a balance between them. Yes, absolutely. Absolutely. I think that's something which we also need to learn over a period of time. Absolutely. Okay. मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछना चाहूंगा और ये क्वेश्चन है प्रणति का Hello ma'am, my name is Pranati and I have a question for you. So Aryam mein aapne jo character kiya tha, usme ek gussa, ek frustration tha throughout. So I wanted to know, how did you do that character? Ki इतने प्रैक्टिस के साथ अब मैं सेकंड्स में या मिनटों में वो इमोशन ला सकती हूँ प्रेपरेशन की जरूरत नहीं थी अब क्या था कि मैं डायलॉग मैंने पढ़ लिया था किसी भी सीरियल या किसी भी वेब सीरीज या मूवी के लिए भी अब मुझ में ये आ गया है आई डिस्कवर्ड दिस फर्स्ट इन फैंटम आई थिंक 2015 की रिलीज थी तो उसमें जो यूनिट भी था वो हक्का बक्का रह गया बहुत मुश्किल सीन था उसमें ब्रेक डाउन था तो आई थिंक कबीर खान वॉज रेडी किए मैम विल टेक 3-4 टेक्स मेरा फर्स्ट टेक में मोस्टली फर्स्ट टेक में हो गया था इट इज फोकस एक्टर की जिंदगी में यह होना चाहिए यू मस्ट लर्न टू फोकस आप लाइनें पढ़ें और वो इमोशन धीरे धीरे आप उस यू गेट इन टू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर देयर एंड देन कैमरा के सामने आपके पास टाइम नहीं है थिएटर में प्रिपरेशन होती है कैमरा के सामने नहीं कभी कभी तो आपको लाइनें रात पहले मिलती हैं समटाइम्स दे आर सो बिजी दे गिव इट टू यू अर्ली इन द मॉर्निंग आपको 6 बजे आ जाती है और यू हैव टू बी रेडी ऑन द सेट तो ये मैंने सीखा है हाउ टू गेट इनटू द कैरेक्टर एंड हाउ टू फोकस टोटली व्हेन आई एम रीडिंग द लाइन
आई वेयर द शूज ऑफ द कैरेक्टर. तो आ जाए. मैंने नोटिस किया काफी कि यू हैव टू ड्रिंक अ लॉट. जनरली आर यू एबल टू गेट कंफर्टेबल विद दैट सो मच ऑफ ड्रिंकिंग ऑन. आई वाज ड्रिंकिंग सोडा. मैंने स्मोक भी किया है. तो दे आस्क्ड मी मैम आप सिगरेट पी सकेंगी. मैंने कहा भैया एक बात कीजिए मुझे हर्बल सिगरेट अगर है तो वो ले आइए. सो दे गॉट मी अ हर्बल सिगरेट. आई वाज स्मोकिंग इन दैट. अगर खांसी आती थी तो वो आई कंट्रोल्ड इट टिल द कट. But herbal cigarette is not that lethal. It doesn't disturb your system so much. Or drinking mein to soda de rahe the, bhar bhar ke soda. Uske baad to of course I had to run away to the bathroom. There was so much gas collected in me. But that's how I did it. Yeah. And I think that was used as very good as a prop for you to express. You know that you know that's how you are sinking yourself in the you know drinks and liquor. You're finding your anchor over there. So it was zaruri tha. So yes. That came out very well along with your character. I agree. Okay. Ma'am, I'll move on to the next question. Next question is Vikrant ka. Hello, my name is Vikrant and my question is, for preparing a role, how do you know how much emotional depth you need to go for that character? देखिए एक्टर का ये बड़ा डिलेमा होता है. कई दफा बहुत घुस जाते हैं एंड इट इज टू मच. तो आपको डायरेक्टर कहता है प्लीज अंडरप्ले. कई दफा आपका आता ही नहीं है. डायरेक्टर कहता है वेज द इमोशन. तो वो डिपेंड्स आपको आपको कैरेक्टर डिस्कस कर लेना चाहिए डायरेक्टर के साथ पहले बिफोर द शूट. एंड उस वक्त फिर उसके बाद आपको यू शुड च्यू इट इन योर ब्रेन. आपको खुद डाइजेस्ट करना चाहिए. डायरेक्टर से डिस्कशन हो गई. बहुत कुछ एक्टर की पर्सनालिटी भी एक कैरेक्टर पोर्ट्रेयल में जाती है. तो उन दोनों का बैलेंस क्या है. डायरेक्टर का विजन, प्लेराइट का विजन, वो भी रहना चाहिए और आपका अपना विजन एज द एक्टर. तो उन तीनों को आपको मेल्ड करना चाहिए साथ और उसका जो वो जो प्रोडक्ट निकलता है वो एक पर्सनालिटी जो तीनों पर्सनालिटीज में से एक निकलती है उसको आप वो किरदार आप निभाएंगे. तो बिफोर यू गो फॉर द शॉट व्हेन यू रीड एक दफा आप लाइंस पढ़ लें तो वो कैरेक्टर जो आपने प्रोड्यूस किया है क्रिएट किया है वो आपके सामने आ जाता है. ओके मैम जस्ट एज अ क्यूरियोसिटी राइटर्स कितना इन्वॉल्व रहते हैं जब ये शूट्स हो रहे होते हैं. बिकॉज आई नो डायरेक्टर आपसे कैरेक्टर स्केच डिस्कस करता होगा बट उसको समझाने के लिए और डीमिस्टिफाई करने के लिए राइटर्स का कितना उधर रोल रहता है. अरे मैं तो राइटर्स वर देयर. I mean, the directors were writers also themselves. So they contributed a lot. So Arya ke set par to the writers. Baakiyon ke agar main yaad, mujhe kuch khas yaad nahi hai whether the writers were there because I just went there as an actor. See, Arya mein to ko personal relationship ho gaya, so you knew everybody. I believe the writers in web series are present. मूवीज में कितना दे आर प्रेजेंट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. पर आजकल जो बन रही है वहां पर राइटर्स आर नॉर्मली प्रेजेंट. वो पुराना जमाना था जब राइटर्स वर नॉट एनकरेज्ड टू बी ऑन द सेट और कई राइटर्स ग्रंबल भी कर रहे थे क्योंकि उनकी राइटिंग चेंज हो जाती थी. डायलॉग चेंज हो जाते थे, कैरेक्टर्स चेंज हो जाते थे. दे यूज्ड टू प्रोटेस्ट बट दे उनको इतनी अहमियत नहीं दी जाती. लेकिन अब राइटर्स आर नीडेड. The story is all important. Today, the audience will see a product, even if it doesn't have stars, which has a good story and good dialogues. So, ये writer ही तो हैं जो ये produce करते हैं. तो आजकल they are on the sets, I believe. मैंने जैसे कहा आर्या के sets पर तो थे. Very right. I think somewhere now the whole shift in the you know ecosystem has happened. कि जब story continues to be a hero. Before any other hero in the whole movie or web series we're making, and which is a good thing, that as an Indian cinema or as an Indian you know filmmaking, we are considering that giving that lot of weightage. Yes. 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 Of course, important writers like them, जो उस ज़माने में they were as important as the director. With their exception, I don't think writers were considered that important. Yeah. वैसे मैम आर्य में तो बहुत सारे सीन्स थे तो जब आपके सीन्स नहीं होते थे तो भी आप रहती थी सेट्स पे और टू जस्ट टू सी हाउ इट गोज कि कैसा होता है. जी ना हमेशा नहीं क्योंकि कई दफा कुछ सीन्स थे जैसे विलन का जो एक मनीष चौधरी का एक न्यूड सीन था
उसमें. तो यू नो व्हेन ही इज कमिंग आउट ऑफ द शावर जानबूझ के, व्हेन आर्या इज देयर एंड ही गेट्स इनटू द ओपन एयर शावर एंड ही कम्स आउट विद हिज टॉवल, तो उसके लिए वी वर नॉट एनकरेज नेचुरली, यू नो. तो देयर वर सम सीन्स दैट वर इंटीमेट जहां ज्यादा क्राउड नहीं चाहिए था हमें, तो वी डिडंट गो देयर. जो ओपन सीन्स थे, यस आई वुड सिट देयर एंड वॉच, आई यूज्ड टू एंजॉय इट. Ma'am, just as a, out of curiosity, once again, are these scenes which are more intimate or maybe you know restricted, are they shot for real? Ki you know we take care of this with some effects, yeah, body double. This one was shot for real, but they shot it very cleverly. Ki you couldn't see the whole body, but the actor was absolutely nude because there was no way he could wear clothes and come out. The way they edited it was different. But actors are okay for doing such scenes? Or, obviously, or, there are. This is Manish is not the only actor. Baki web series may be kissing, nudity or intimacy ke scenes hain. Obviously, they are okay or they are convinced by the director. I'm sure. कई बार मैं एज एन ऑडियंस सोचता हूँ कि यू नो आफ्टर लाइक मनीष जी ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं, तो he has played lot of negative characters also. Yes. तो मुझे लगता है कि इसके बाद फिर एक्टर्स को क्या ये नहीं लगता होगा कि यार मैं क्यों करूं, मैं तो अब काइंड ऑफ अ स्टार हूं, आई शुड नॉट डू दिस, सम मतलब आई एम रेडी टू डू द मूवी. इफ यू आर एन एक्टर, यू कांट से नो टू एनीथिंग अनलेस इट गोज अगेंस्ट यू मॉरली और यू फील कि ये डायलॉग जो है ये बहुत इट्स इंसल्टिंग समवन, यू नो, या फिर देयर इज टू मच ऑफ अब्यूज इन इट. You have a right to protest over there. Abuse can be shown in another way also. So if you feel it's morally wrong, yes, you can. If you feel it's morally wrong to appear in the nude, you can say that. And you can discuss it with the director. But as an actor, you should be open to most things. Unless, like I said, it goes against your own grain as a person. Yeah. So good to know that people are exploring their creative canvas. Yes. And we are open to doing all kinds of scenes. All right, great. मैम, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन प्रसोनिका का है. हाय सुहेला मैम, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल की अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडियन विच हंट, जिसमें आपकी अहम भूमिका थी और ये सीरीज आप ही की बुक से इंस्पायर्ड थी, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको इस सब्जेक्ट पे किताब लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? थैंक यू. द बुक वॉज विचक्राफ्ट इन वेस्टर्न इंडिया. इट वॉज पब्लिश्ड बाय ऑरियन लॉन्गमैन्स व्हेन आई वाज अ यंग कब रिपोर्टर इन द टाइम्स ऑफ इंडिया. Many years ago, Penguin India had not really come in at that time, nor had HarperCollins. And the top publisher was the one I just mentioned to you. Actually, I was a cub reporter. I was a junior over there. I was very interested in the occult. I still am. कि उसके पीछे कुछ है भी, ये जादू टोना जो है, supernatural powers कुछ है, तो मैं investigation करना चाहती थी. और मैंने अपने सीनियर अपने एडिटर से पूछा, डैरल डिमोंटे, हु इज नो मोर, ही इज अ ग्रेट एडिटर विद द टाइम्स ऑफ इंडिया, उनसे पूछा मैं करना चाहती हूँ. एंड ऑन देयर ओन एक्सपेंस दे सेंड मी टू केरला एंड वी कवर्ड द चोटा निकरा टेम्पल, जहां पर केरला में, जहां पर ओनली यंग गर्ल्स वर सेंट देयर, दोज हु वर कंसीडर्ड पोजेस्ड बाय स्पिरिट्स. और उनकी मैंने देखा, उनकी एज थी बिटवीन 14, प्यूबर्टी की एज थी बिटवीन 14 एंड 20, उससे बड़ी नहीं थी. तो मेरा मतलब माथा ठनका, आर दे बीइंग एक्सप्लॉइटेड इन द टेम्पल, यू नो, आर दे बीइंग सेक्सुअली टेकन एडवांटेज ऑफ, वो सब तो हम पता नहीं कर सके, लेकिन वी डिड फाइंड आउट कि पीपल पेड मनी फॉर देम टू गो एंड गेट दिस प्रोसेस डन. उस प्रोसेस का नाम था गुरुदी, इट वाज ऑल वेजिटेरियन. गुरुदी इज अ प्रोसेस वेयर दे यूज्ड टू मेक अ ब्लड लाइक लिक्विड, उसका लाल रंग होता था हल्दी के साथ. तो अगर आप ब्लैक मैजिक देखें, विचक्राफ्ट देखें, तो खून, ह्यूमन एंड एनिमल सैक्रिफाइसेस का बहुत काम होता है, ब्लड का. तो ये तो इट वाज अ टेंपल, दे कुड नॉट सैक्रिफाइस ईदर एन एनिमल और अ ह्यूमन बीइंग, सो दे यूज्ड टू मेक दिस गुरु लिक्विड और वो स्प्लैश करते थे डीटी के ऊपर, लड़की के ऊपर. तो वो कवर करने गई और हमारी दो मेजर स्टोरीज निकली थी, मी एंड माय कॉलीग अरुण कुमार टी, अरुण टुक द फोटोग्राफ्स. And they made big news, headlines. So, uske baad Orient Longman got in touch with me and said, would you like to write a book? I was very young. College se seedhe gayi thi, toh mujhe toh nasha chad gaya, I'm an author. So, then I said yes.
एंड उसके बाद अपने एक्सपीरियंसेस आई टुक अ काइंड ऑफ अ लीव फॉर अबाउट अ ईयर फॉर द बुक फ्रॉम द मैगजीन एंड फ्रॉम द न्यूज़पेपर दे अलाउड मी एंड आई रोट दैट बुक इन दैट पीरियड माय कॉलीग प्रोवाइडेड द फोटोग्राफ्स so it was such a hit that they asked me ki ab aap would you like to do actually exorcism per book how the spirits are taken out my mother was very worried she just wanted me to get married she said tumse shaadi kaun karega aur pata nahi tumko kahan kahan par kisi jangal mangal mein jaogi ye tumhari laash bhi nahi milegi she threw a fit and she said I'm going to call you back aap time zone mein wahan chodo delhi mein hamare sath raho aur wahan join karo आई लव बॉम्बे तो मैंने कहा नहीं नहीं मम्मी नहीं करूंगी आप मुझे बम्बई में रहने दीजिए सो दैट गॉट स्टिमी बिकॉज माई मदर रिफ्यूज टू अलाउ मी तो इस तरह मैंने ये बुक लिखी सालों बाद नेशनल जियोग्राफी गॉट होल्ड ऑफ द बुक उसकी रीप्रिंट में एंड दे वॉन्टेड टू मेक दिस सीरीज सो दे गॉट इन टच विद मी आकर मेरा ऑडिशन भी लिया उन्होंने कहा जी मैम हीरोइन भी आप ही होंगी एंकर भी आप ही होंगी वी जस्ट वॉन्ट टू सी हाउ यू अपीयर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा सो घर पर इधर ही पीछे लिया मेरे लिविंग रूम में एंड दे एक्सेप्टेड मी And they read the book and took parts of it, but their story was completely different. And they shot it like आजकल reality shows होते हैं ना उस वक्त इंडिया में होते नहीं थे. They had started in the West. They shot it like a reality show. मुझे I was the investigator. Sohila Kapoor, the journalist, is the investigator, and they pushed me into situations. We even went into very dangerous areas जहाँ पता नहीं चलता था कि villages हैं, thick jungles, naxalite ridden. ऊपर सारे पहाड़ एंड वी वर इजी एम वहां लिखा हुआ था नेशनल जियोग्राफिक की वैन है एंड द नक्सलाइट्स हेटेड अमेरिकन्स तो पता चल दे कुड हैव टेकन पॉट शॉट्स एट अस पता ही नहीं चलता हमारी लाशें कहां यू नो बट वी टुक दैट रिस्क वी वेंट इनटू द जंगल और छोटे छोटे विलेजेस सेवन हटमेंट्स के यू नो क्लियरिंग में दिखते थे वहां हमने अपना काम किया इट वॉज अ वेरी रिस्की प्रोजेक्ट बट वी एंजॉयड इट प्रिसाइसली बिकॉज इट वॉज दैट I would say you continued your adventure journalism along with the theme on which you wrote a book. I did. I was very lucky. After you know getting exposed to all these assignments, you have started believing in these spirits or black magic or superstitions. I don't know what to call it. Nay, superstitions do exist. Black magic. I believe that there are powers in the universe. There are elemental powers, powers in nature. That if you do, अगर आप उस पर ध्यान दें, सालों, if you study it, you can gain them. I believe in that. आप कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ. There universally for everybody to pick up from nature, provided we dedicate ourselves to it. तो आई डोंट इवन थिंक अगर आप कोई चीज जैसे वो एक बहुत साल पहले एक आया था हू यूज्ड टू बेंड एक इजरायली मैन हू कुड बेंड मेटल आई एम श्योर दैट एग्जिस्ट दैट पावर एग्जिस्ट यू नो हम नहीं देखते क्योंकि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वी जस्ट फॉलो वेरी नॉर्मल लाइव्स वी कॉल देम पावर्स बट आई सपोज सम अदर सिविलाइजेशन एडवांस सिविलाइजेशंस साइंटिफिकली एडवांस विल नॉट कॉल देम अबनॉर्मल पावर्स अ सुपरनैचुरल वो रोजमर्रा की जिंदगी में मे बी दे कैन डू I think it all depends on the level of civilization we have gained, the level of science, and I believe science and spirituality are flip sides of the same coin. जो आज हम समझ नहीं सकते उसको spiritual और religious कहते हैं। 200 साल पहले अगर आप कहते कि बिजली का बल्ब जलाकर दिखा देते किसी को दो तीन सौ साल पहले तो वो तो कहते ये magic है। It's not magic. It's how you harness the forces of nature. You know, you can do it with science. So I don't think we've reached that level of civilization where this is an everyday occurrence. So we think of it as something hugely spiritual or religious. And you know, spirituality or faith is something which is, I guess, unquestionable because there is logic to it at few cases, and there are only evidences without logic at few cases. So it's debatable also, but it's still believable because there have been evidences. True. Like they say, it's the tip of an iceberg. How do you know? Nobody has seen the bottom of the iceberg. You have to go down into the chilled water to see what it looks like inside. You know, there's so many things in the universe that we have not discovered and we can't even imagine. Yes. That exists. Yes. Okay, ma'am. Now I'll move to the last question, the audience question, which is from Yashasri. And she wants to ask, Hello Sohila ji, my question for you is,
You have adapted Ramayan for HBO channel for the American audience, but do you think somewhere in India, filmmakers and teleserial makers are not doing enough to propagate these folklores further? If yes, what should we do? Oh my God, I think we've been propagated a lot. आप देखिए हर दूसरे तीसरे चैनल में अपनी माइथोलॉजी है, आपके राम है, कृष्ण है, हनुमान है, सबकी स्टोरी साईं बाबा की, कृष्ण की। कौन सा माइथोलॉजिकल हीरो है जिसके बारे में सीरियल नहीं बना या इवेंट, महाभारत, रामायण? आई थिंक समटाइम्स आई फील देयर इज अ प्लेथोरा, मे बी देयर इज अ ग्लट। तो आप ये नहीं कह सकते कि कमी है, बिल्कुल भी नहीं। Maybe she is referring to the web series or the content on OTT. See, web series, television पर है। Web series में आप देखिए ना, it has to be international content. It goes everywhere in the world. तो अगर आप हमारी mythology पर बनाएंगे, जैसे I'm sure Greek mythology पर बना हुआ है, दूसरी mythologies पर European filmmakers have made it, तो उसका जो outlook है, उसका जो perspective है, वो अलग होगा। We do it from a religious point of view, a spiritual point of view. उनके लिए आपको कहानी के तौर पर बताना पड़ेगा. You cannot do it as something that you believe in. It will be a story for them. तो वो अभी लोगों ने सोचा नहीं है, क्योंकि there's also a risk of being sued. There are so many groups in the country that said आपने ऐसे कैसे portray कर दिया? ये तो हमारे mythological hero हैं. ये कहानी ऐसे नहीं होती. We're going to sue you. तो लोग उससे भी करते हैं. So if you see जो टेलीविजन पर बना है, it's very reverential, बहुत मतलब religiosity से बनाया गया है, बहुत respect के साथ बनाया है. You cannot challenge that because it's the belief system of a nation, belief system of a community, I would say, more than a nation. So when you were adapting, and the majority community. True. And I think because our community has the religious, they are very, they have a deep faith in all these, you can say, the gods, goddesses, and associated rituals. So now when you were adapting it to HBO, so what did you main angle, rakha, point of view? Kya rakha? As a story, only as a story. I did not bring the spiritual or religious angle into it. Got it. And I'm sure, that was a bold step, because in India it has been a raging hit. So when, it was made for American audience, and there are so many people who want to know about Indian culture and the whole Indian mythology. So I'm sure there will be a lot of reach over there. Ma'am, aapka next project kya aane wala hai, which we can look forward to? Next project, Family Man 2. Okay. Wo aayega, hopefully Arya 2, when it is announced officially that it's going to be made. And I have some films in the pipeline. I've signed a film jo lockdown ki wajah se nahi shoot ho saka, uski March mein shooting thi, and another film, How to Kill Your Husband, jo ki UK mein shoot hui thi. I play a gypsy kind of a woman, very interesting jununi aurat ka role. Aur ek aur hai, I think the working title is Tadap, jisme Sunil Shetty ke bete Ahan Shetty ko introduce kiya hai. उसमें भी आई प्ले अ वेरी विदेट काइंड ऑफ अ कैफे ओनर, वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय द हिप्पी मूवमेंट ऑफ द 60s एंड 70s, जो दोनों लवर्स को मिलाती है अपने कैफे में. मसूरे में शूटिंग हुई थी वो, दैट इज अवेटिंग रिलीज. सो और एक और फिल्म जो बनी थी, छोटे नवाब, वो एक हवेली में मिली बनी थी उत्तर प्रदेश में, वेरी हाइंटरलैंड यूपी की स्टोरी थी, वेरी वेल शॉट. अवेटिंग उसका भी रिलीज हम देखेंगे. So these are the projects that have been completed, yes. And all of them starkly different from each other. I'm very lucky as an actor. I've not been stereotyped, especially when I'm an older actor. It's so easy to say, acha, nani, dadi, mother-in-law, mother, wicked step-mother-in-law, whatever. I have done a different role in every web series. Kahi, I'm a Christian nun, family man. Mohakal mein, I'm a Muslim auntie, advisor to the gang leader. And then if you come to special ops, I'm a minister, Punjabi, upper class Hindu woman. Arya mein, if you look at it from not exactly from royalty, but a very, very upper middle class, almost like royalty, a woman from a very rich household. So every role of mine has been very different. And in fact, when you look at my first film with Kabir Khan, Phantom,
उसमें भी एक मुस्लिम औरत का रोल, एंड इन सुधीर मिश्राम फिल्म दासदेव आई प्लेड प्लेड अ पॉलिटिशियन वेरी लाइक सोनिया गांधी, यू नो, हुज कीपिंग द सीट हॉट फॉर द सन टू यू नो ग्रो अप मेंटली एंड एक्सेप्टेड, एंड ही इज अ ड्रंकर्ड. इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म दासदेव, अगर आप उसको देखें. एंड वो अपनी शी इज द पार्टी चीफ को चला रही है जब तक वो बेटा कहता नहीं कि ना मॉम मैं बागडोर आपके हाथों से ले लेता हूँ. But that never happens. Well, it does, but in a very iffy kind of a way. So, har role mera different raha, and I'm very happy. And aage bhi main chahungi ki main alag-alag role nibha sakun. Nahi, nahi, bilkul, ma'am. I'm sure people are noticing all of these, that what wide spectrum you have, and they will be happy to cast you. And it's, and I think I would totally say that it's both luck and somewhere the reflection of your performance that you are not being stereotyped. Otherwise. Right. People who play cop, yes, they continue to play cop. People who play, yes, politician, yes, continue to play politician. That's, yes, true. Yes. अच्छी बात है कि किसी एक रोल में इतनी नहीं रंगी कि लोग कहते हैं बस अब इसको यही रोल दो. Which has been the closest role, by the way, to your heart so far, if I may ask? Closest role. I loved Phantom. Maybe because it was my first film, it's very dear to my heart. Also, Kabir Khan has this fantastic way of explaining, you know. He is a lot like Ram Madhav, बहुत प्यार से समझाते हैं, डिटेल में समझाते हैं. एक तो वो अमीना भी करो, और एक अब आर्या, कंप्लीटली डिफरेंट. एक मुस्लिम कन्वेंशनल वूमन, यू नो, फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास, एक अपर मिडिल क्लास, ऑलमोस्ट रॉयल वूमन, एन अल्कोहलिक, यू नो. एक की मतलब हस्बैंड है नहीं, आई डोंट नो वेदर शी मैरिड और नो, शी डिड, शी हैड अ सन हु इज अ विडो. One who's very much married, but is almost like a widow because the husband doesn't care about her. Some similarities, many differences. So these two are closest to my heart. Well, ma'am, we wish you all the best for your forthcoming projects, and we would like to see you, keep seeing you in all these challenging yet very, you know, contrasting roles. And we will continue to follow your work. Thank you so much today for giving your time. Thank you very much. It's a pleasure. It's a pleasure talking to you.